वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू आर डूइंग वेल। दिस इज मी उजाला एंड वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक ऑल अबाउट माय न्यू स्टार्ट बिजनेस। हालांकि अभी मेरा बिजनेस नया है, बहुत ज्यादा रन नहीं कर रहा है, बट मैंने सोचा कि इस पर वीडियो बनाते हैं और आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो इस वीडियो में मैं सारी चीजें शेयर करूंगी कि मैं किस चीज का बिजनेस करती हूँ, क्या सेल करती हूँ, कैसे करती हूँ, मैं इंस्पायर्ड किससे हुई हूँ और बनाती कैसी हूँ, सारी चीजें। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सो विदाउट फर्दर एनी डू लेट्स गेट जंप ऑन द वीडियो। मैं बताना चाहूंगी कि मेरे स्टोर का नाम है वर्तिका स्क्रंची स्टोर। मैं यहाँ कहीं आईडी मेंशन कर दूंगी, तो आप चाहे तो यहाँ से मतलब डायरेक्ट विजिट कर सकते हो मेरे स्टोर पे। और मैंने स्टार्ट करा है नया स्क्रंचीज का स्टोर। मैं इसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी और पिछले 3-4 महीने से मैं सोच रही थी कि मैं स्टार्ट करूंगी, बट हो नहीं पा रहा था। मतलब कुछ और करने लग जा रही थी, कभी वीडियोस पे तो कभी कुछ ऐसा हो रहा था। बट फाइनली मैंने आज 4 दिन मतलब 8 अक्टूबर को ही लॉन्च किया फर्स्ट। हालांकि मुझे फर्स्ट डे पे कोई भी ऑर्डर नहीं आया, स्टिल अभी नहीं आया। आसपास के लोगों ने कुछ ऑर्डर्स दिया, बट बाहर से मुझे भी कोई ऑर्डर्स नहीं आए हैं। बट हाँ, आई हैव कॉन्फिडेंस कि आई कैन गेन मतलब फॉलोअर्स या भी जितने भी कस्टमर वगैरह हैं, मैं कर लूँगी। तो ये रही स्क्रंची जो मैंने बनाई है, मैंने और सारी बना के स्टॉक में रखी है। और मैं आपको साइजेस वगैरह दिखाती हूँ कि कितने साइजेस में अवेलेबल है, उसकी प्राइसिंग वगैरह क्या है, सारी चीज़ें मैं बताऊँगी। काम डाउन, मतलब वीडियो भी थोड़ी सी लंबी होने वाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूँगी कि मैं इंस्पायर्ड किससे हुई थी। तो मैं एक चिल्बी की वीडियो देखी थी और दूसरा है कि XXL स्क्रंचीज एंड को करके, तो उनका वो बहुत बल्क में बनाते हैं और बहुत अच्छी सेलिंग वगैरह भी होती है, तो मैं उनसे इंस्पायर्ड हुई थी। सच बताओ तो मैं एकदम मतलब पागल हो गई थी 2-3 दिन कि करना है, एंड फाइनली मैंने कर लिया। फिर बात कर लेते हैं कि मेरे पास साइजेस कितने अवेलेबल हैं और उसकी प्राइसिंग क्या है। तो प्राइसिंग मैंने एग्जैक्ट अभी सोचा नहीं है, बट मैं बहुत अफोर्डेबल दूंगी ताकि मेरे पास अभी कस्टमर्स आए। और अभी है मैं अभी से लेके मतलब एंड तक सेम प्राइस रखने वाली हूँ, चेंज नहीं करने वाली हूँ। सो ये एक बेनिफिट है। तो आप चाहो तो मुझे ऑर्डर दे सकते हो मेरे इंस्टाग्राम स्टोर से, वर्तिका स्क्रंची स्टोर से। तो चलो साइज दिखाती हूँ। तो ये देखो, ये पूरा तो मेरे मुंह को कवर कर लेता है, बट ऑसम मतलब बहुत ज्यादा अच्छा लगता है ये वाली साइज। और इससे क्या कहते हैं मुझे याद नहीं प्रॉपर, बट मैंने इसका नाम दिया है एक्सल। तो ये सबसे बड़ी साइज है मेरे पास। अगर आप जूड़ा बना रहे हो तो जस्ट इसे ऐसे चढ़ा लो एंड देखोगे ना, आपका पूरा लुक ही चेंज हो जाता है। और प्लस इन सब की बेनिफिट मतलब अच्छी बात क्या है कि ये ना सिल्क के कपड़े से बनते हैं, तो हमारे जो हेयर्स हैं वो टूटते नहीं और बहुत सॉफ्ट और अच्छे भी लगते हैं। और ये मतलब क्या ही बताओ, नेक्स्ट लेवल का अच्छा लगता है अगर आप इसे अपने हेयर्स पे लगाते हो। तो ये है मेरा एक्सल साइज, अगर आपको पसंद है तो बताना जरूर। एंड नेक्स्ट वन मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी, मेरे दूसरा वाला साइज ये है मीडियम साइज, और ये थोड़े से फ्लावर शेप में आते हैं और इतने ये खींचते हैं। सब मैं बता दूं कि वो जो इलास्टिक डलती है सब में सेम साइज की डलती है, बट इसके जो फैब्रिक की कटिंग होती है वो अलग अलग साइजेस में होती है। जैसे कि ये जो एक्सल वाली है, इसे मैं 6 इंचेस का करती हूँ, हाँ इसे 6 का करती हूँ, और इसे 4 का, और इलास्टिक सब में 8 इंच का ही डलता है। और ये है 2 ये 2 का, ये मिनी साइज है। ये लाइक रबर बैंड अगर आप यूज करना चाहो तो वो कर सकते हो, चोटी वगैरह बना के उसमें लगा सकते हो, हाथ में भी पहन सकते हो, और बालों को टाई करना हो, नॉर्मल पोनी टेल बनानी हो तो उसके लिए ये है। बट मुझे मेरा मतलब सबसे ज्यादा फेवरेट जो बताऊं तो वो एक ये है और एक ये वाली है। ये दोनों मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। बनाने के लिए जो हम फैब्रिक यूज करते हैं वो शार्टन होता है, सिल्क होता है। उसके अलावा आप कोई जो मतलब सॉफ्ट फैब्रिक होते हैं वो ले सकते हैं, क्योंकि ये ना मतलब हेयर्स में बाकी हार्श होते हैं, जो अगर आप पोनी टेल बना तो आप निकाल रहे हो रबर तो वो खींच लेता है, तो बहुत ज्यादा बाल निकल के आते हैं। बट इसमें बहुत कंफर्ट होता है, अगर आप कोई अचानक से आपके बाल भी खींच लेता है ना, तो ये बहुत सॉफ्ट निकल जाते हैं और एक भी हेयर्स नहीं आते हैं। मैं अब अपने बालों को टाई करने के लिए इन्हीं स्क्रंचीज का यूज करती हूँ हमेशा, या तो फिर मैं वो जो आते हैं प्लास्टिक के क्लचर वो यूज करती हूँ, या तो फिर ये 3 एंड गेट 1 फ्री ऑफर चलेगा अभी मेरे स्टोर पे, क्योंकि ये तीनों साइजेस में आते हैं। और एक मैं एक्स्ट्रा या तो कोई कलर, एक मतलब ब्लू के साथ व्हाइट दूंगी, और कोई भी कलर उसका मतलब हर एक पेयर के साथ मैं एक व्हाइट जरूर दूंगी। मैंने ये सोचा है अभी मैं जब सेलिंग स्टार्ट करूंगी ना फेस्टिव सीजन वाला, तो उसमें मैं ये करके दूंगी। अगर आपको बाय करना है तो मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम करो।
That's it for today. मैं आपको यही अपडेट देना चाहती थी मेरे स्टोर के बारे में, क्योंकि मुझे एक दो DM आए थे इससे रिलेटेड कि क्या है कैसे है, और लोग भी चाहते थे कि इस पे वीडियो बनाओ तो लोगों को ज्यादा पता चलेगा तुम्हारे स्टोर के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या मेरे स्क्रंचीज पसंद आए हो तो मुझे ऑर्डर देना मत भूलना, मेरी वीडियोज को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आई नीड योर लव एंड सपोर्ट। थैंक यू सो मच लास्ट वीडियो को देखने के लिए। बाय बाय।